पॉलिनोमियल में हमारे पास एक टॉपिक है एलजेब्राइक आइडेंटिटी, ये बहुत ही आसान है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग छोटी क्लासेस में कर लेते हैं। तो एलजेब्राइक आइडेंटिटीज, पहले सारी आइडेंटिटीज लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां नेगेटिव है तो टू ए बी के साथ क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। ओके, इनको ड्राइव करना कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट्स। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करो पहले इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, ए स्क्वायर और ए की इसके साथ करोगे प्लस ए बी। इसी तरह बी की ए के साथ करो, बी इंटू ए बी ए या ए बी, और बी की बी के साथ प्लस बी स्क्वायर, बी इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी क्या हो गया टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कुछ नहीं कि वो स्पेशल किसी तरीके से बनते, नहीं, सिंपल दो ब्रैकेट को ओपन किया, सारी आइडेंटिटीज में सेम है हमारे पास। ओके, कुछ आइडेंटिटीज के प्रूफ भी हम लोग करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, आगे हमारे पास क्या ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी, इसको बाद में लेंगे, पहले ले लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, रिवर्स भी यूज करनी पड़ जाती है, ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो आप क्या करोगे ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करोगे स्टूडेंट्स। ओके, तो एक आध एग्जांपल देख लेते हैं साथ के साथ ताकि हमें चीजें समझ आ जाए। जैसे हमें दे दिया किसी ने 2x प्लस 3y का होल स्क्वेयर दे दिया, इसको सोल्व करना है। 2x प्लस 3y का होल स्क्वेयर अगर हमें सोल्व करना हो तो कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे लिए किसका काम कर रहा है ए का, ये किसका कर रहा है बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। ए का काम हमारे पास कौन कर रहा है टू एक्स और बी का काम थ्री वाई, तो ए स्क्वायर मीन्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स थ्री वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू, ए का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स टू एक्स और बी का काम कौन कर रहा है थ्री वाई, तो टू एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट्स फोर एक्स स्क्वायर। इसी तरह थ्री वाई का होल स्क्वायर क्या बन गया नाइन वाई स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, समझ आई बात आप लोगों को, ये आंसर आ गया हमारे पास। जैसे ये दे दिया हमें 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, देखो आपको सारी आइडेंटिटीज माइंड में होनी चाहिए और देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो ये किससे मैच हो रही है हमारी, इस आइडेंटिटी से, देखो राइट हैंड साइड में a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास 2x कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है 2x और बी का काम कौन कर रहा है 3, बी का काम कौन कर रहा है 3। तो आइडेंटिटी क्या थी, यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मींस 2x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9। कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, गुड। अगली आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी, ये आइडेंटिटी, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, इसके जो है पहले दोनों, पहली दोनों टर्म सेम होती है और बाद वाली डिफरेंट होती है। इस आइडेंटिटी में साइन भी साथ रखना होता है स्टूडेंट्स, ए और बी का जो साइन होता है वो हमें साथ रखना है इस आइडेंटिटी में, बाकी में साइन साथ रखने की जरूरत नहीं है।
जैसे एग्जांपल लेते हैं 2x प्लस 5 और 2x प्लस 3, पहले वाली सेम है वैल्यू और अगले वाली दोनों क्या है डिफरेंट है, तो आइडेंटिटी यूज करते हैं एक्स स्क्वेयर। एक्स मतलब एक्स का काम कौन कर रहा है 2x, एक्स का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स 2x, तो हम क्या करेंगे 2x का होल स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी, मीन्स ये x हो गया, ये प्लस a हो गया, ये x हो गया, ये प्लस b हो गया, तो हमारे पास a का काम कौन कर रहा है 5 और b का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स 3 कर रहा है, तो क्या हो गया हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस a प्लस b मीन्स 5 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 ए बी ए इंटू बी 5 इंटू 3 टू एक्स का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 8 x प्लस 5 3 जा 15 आ गया आंसर सिंपल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब यूज कर रहे हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर ऑलमोस्ट इसी की तरह है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी है तो सी का भी स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाले में सी नहीं था, याद करने के हिसाब से बता रहा हूं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac प्लस 2ac, ओके इसमें 2ab था इसमें सी और आ गया, दो दो का पेयर ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, ए की सी के साथ स्टूडेंट्स, ओके क्यूब वाली आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, एक्स प्लस वाई या a प्लस बी, चलो x की फॉर्म में लिखते हैं x प्लस वाई का होल क्यूब, ओके a में चलाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी प्लस 3ab a प्लस बी, हम लोग इसी अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की a से मल्टीप्लाई करोगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab की b से मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab स्क्वायर, ठीक है ना 3ab की a से मल्टीप्लाई की तो a a पावर ऐड हो जाएंगी a स्क्वायर b हो जाएगा, हमने क्या लिखा a स्क्वायर b, इसी तरह b वालों की पावर ऐड हो जाएगी स्टूडेंट्स, a माइनस b का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ठीक है ना ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर स्टूडेंट, इस तरह से पेयर में दोनों की दोनों आइडेंटिटी यूज होनी चाहिए, कभी भी कहीं पे भी कौन सी भी आइडेंटिटी यूज हो सकती है, ओके तीन आइडेंटिटी हो रहती है हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, पहले प्लस बी क्यूब का कर लेते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स एक जगह तो नेगेटिव आना ही आना है, देखो याद करने के हिसाब से थोड़ा सा बता रहा हूं, एक जगह तो नेगेटिव इनमें आना ही आना है, तो क्या करोगे प्लस है तो बाहर प्लस माइनस है तो बाहर माइनस, अब बाहर प्लस आ चुका तो एक जगह तो नेगेटिव देना ही पड़ेगा, वो ए बी के साथ नेगेटिव दे दिया, ठीक है ना थोड़ा याद करने के हिसाब से, ऐसा कोई रूल नहीं है कि देना ही देना था नेगेटिव, थोड़ा याद रहता है ए माइनस बी माइनस है तो बाहर माइनस दे दिया तो अब अंदर सारे प्लस आएंगे, ए की नेगेटिव आना था वो बाहर आ चुका, ओके स्टूडेंट्स एक लास्ट आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है ना एक लास्ट आइडेंटिटी है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, थोड़ी लेंथी है लेकिन जरूरी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी
माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। देखो क्या करना है, एक बार तीनों का सम फिर स्क्वेयर के साथ लगभग इसके इससे मैच हो रहा है लगभग, बस इसमें टू आया हुआ है और इसमें टू नहीं आएगा, सारे नेगेटिव आएंगे, उसमें सारे पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें ना बहुत सारी आइडेंटिटीज में साइन का ध्यान रखना पड़ता है, ओके। एक तो इस आइडेंटिटी में साइन जो ए और बी का होगा वो ही रहेगा, एक इस आइडेंटिटी में भी जो साइन सी के साथ आ गया, यहां पे भी सी के साथ साइन लेना है, यहां पे भी, लेकिन इसमें 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 इनमें जरूरी नहीं, इनमें नहीं लेना था साइन, ठीक है। इसमें साइन क्या लेना है, साथ लेना है, इसमें साइन साथ नहीं लेना, इसमें भी ए और बी के साइन साथ नहीं लेने, नहीं लेने, नहीं लेने, और इसमें भी साइन साथ लेने पड़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहां से एक प्रॉपर्टीज और निकल जाती है, बाय चांस ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो हमारे पास, ठीक है ना, ए प्लस बी प्लस सी बाय चांस जीरो हो, जैसे हमारे पास दे दिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं लास्ट आइडेंटिटी के हिसाब से, 17 क्यूब ओके प्लस माइनस 12 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब और माइनस 3 एबीसी के तौर पर उसने दे दिया 17 इंटू माइनस 12 इंटू माइनस 5, कह रहा है इसको सोल्व करो, इसको क्या करो सोल्व करो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको इससे मैच करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए का काम कौन कर रहा है 17, बी का काम कौन कर रहा है माइनस 12 और सी का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट्स माइनस 5, माइनस 3 एबीसी इज इक्वल टू, आंसर क्या आना चाहिए आप लोग बताओ, ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 17 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 5 इज इक्वल इंटू में ए बी सी स्क्वेयर 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 मीन्स 17 का स्क्वेयर माइनस 12 का स्क्वेयर प्लस माइनस 5 का स्क्वेयर, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद क्या है, माइनस ए बी माइनस 17 इंटू माइनस 12 माइनस माइनस 12 इंटू माइनस 5 माइनस 17 इंटू में माइनस 5 स्टूडेंट्स 17 माइनस 17 आंसर क्या आया जीरो, और जीरो इंटू ब्रैकेट के अंदर का पूरा मटेरियल कुछ भी हो चाहे वो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, तो ये बाकी की कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है फिर हम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो कभी भी अगर ए प्लस बी प्लस सी का सम जीरो आता हो तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स जीरो आएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो आएगा, मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाते हैं थ्री ए बी सी हो जाएगा, ये हमारी 10th आइडेंटिटी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके 11th आइडेंटिटी होगी, 10 11th आइडेंटिटी में इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। ये सारी आइडेंटिटी याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।